By the power of the grace call, I have the power. दोस्तों ये डायलॉग सुनने के लिए ही मैन का संडे के संडे सुबह सुबह उठ के इंसेंटिव होता था कि पहले पार्क जाओ फिर पापा मम्मी ये देखने पड़ेंगे, तो दोस्तों मजा आ जाता था देख के। नेटफ्लिक्स ने दोस्तों लेकिन एक गलती करी, उन्होंने एक कार्टून तरीके की फिल्म निकाली जिसका नाम था मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन, और उसकी ऐसी धज्जी उड़ी, इतनी धज्जी उड़ी कि लोगों ने बोला कि यार ये तुमने आइकॉनिक ही मैन को इस जनरेशन को दिखाने के लिए मतलब नाश ही मार दिया। पर बड़ी जल्दी उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। अब दोस्तों ही मैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स आया है दोस्तों वापस, और इतना ज़बरदस्त तरीके का इसके अंदर एनिमेशन आपको दिखेगा, दो ही मैन इन फुल ग्लोरी। क्योंकि पहले वाले में ये रेवोल्यूशन वाले में क्या हुआ था कि ही मैन तो दिखा नहीं और ये किसी फेमिनिज्म वाले जोन के अंदर निकल गए, और यहाँ पर आप जो ही मैन देखोगे दोस्तों, ही इज़ द ही मैन वी ऑलवेज लव्ड इन द मॉडर्न अवतार। ही इज़ यंग, ही इज़ रिलेटेबल टू द टूडेज जनरेशन, एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ओरिजिन विच यू विल लव। और जो इटर्निया प्लानट का पूरा तामझाम बनाया है, जिसको बहुत ज़्यादा टेक्नो बना दिया गया है ताकि आप आज के टाइम के हिसाब से इसको रिलेट कर पाए, इसके अंदर बहुत मैजिकल स्टफ है, मिस्टिकल है, उस प्लैनेट के हिसाब से बहुत पावरफुल है। जैसे मैंने बोला बहुत यंग है, बहुत टेक आपको यहाँ पर दिखेंगे, गैजेटी है और फुल ऑफ एनर्जी है। और 3D एनिमेशन जो दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा जो कैरेक्टराइजेशन इन्होंने बनाए हैं, बहुत बढ़िया है। स्टोरी जिनको नहीं पता मोटा मोटा बता देता हूँ, एक अच्छा सा प्लैनेट है इटर्निया, और कहा जाता है कि वहाँ पर जो ग्रे स्कल कैसल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर बहुत मैजिकल पावर्स हैं। अब स्केलेटोर को ये चाहिए जो कि एक टायरेंट है, और स्केलेटोर आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए एक स्केलेटन वाला मस्कुलर सा टायरेंट सा विलन है, उसके पास बहुत सारी डार्क फोर्सेस हैं, डार्क लेट्स से बहुत सारी से कहते हैं ना आर्मी फोर्स है उस तरीके की, एंड ही वांट्स टू टेक ओवर इटर्निया किंगडम। पर एक इंसान है जो उसको रोक सकता है, वो है उनका प्रिंस यानी कि ही मैन, और वो ही मैन बनता है एक स्वॉर्ड से। वो कैसे अपनी पावर्स लेता है और राइटफुली ये सारी चारी लड़ाई कैसे लड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो उसके फ्रेंड्स है ना, इतनी डेप्थ है दोस्तों उसके अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको फ्रेंडशिप देख के। और को बहुत ही प्यारा सा एक कैरेक्टर है जो मेरा फेवरेट हुआ करता था बचपन में, टीला जो लड़की है यहाँ पर वॉरियर, वो आपको फैन बना देगी अपना। फिर मैन एट आर्म, आप देखोगे 1980s में ओरिजिनली आता था, तब इन्होंने हाइब्रिड तरीके का एक इंसान दिखाया था, बहुत ज़बरदस्त था। क्रिंजर तो सबका फेवरेट है, एक ऐसा टाइगर जो कि साला बिल्कुल मेमना बना बैठता है, लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड निकलती है और वो जो बनता है दोस्तों, एक पावरफुल एक रूथलेस सा टाइगर, मज़ा आ जाता है। ये जो सारी टीम है बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरीके की एनिमेशन हुई है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डेप्थ है इसके अंदर, क्योंकि बहुत कैरेक्टराइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि ये स्टोरी ऑफ ओरिजिन है तो पूरा का पूरा अच्छे से समझाया गया है। और जिन लोगों ने आज तक नहीं देखा है ही मैन, उनके लिए तो स्टोरी ऑफ ओरिजिन बहुत अच्छी होने वाली है। जो थोड़ी सी डाउन साइड ये है कि बिल्डअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, हमें एक्शन भी चाहिए होता है, तो वो जो टाइम है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि शायद ज़्यादा ले लिया, बट वॉइस ओवर बहुत ज़बरदस्त है, तो जो इमोशंस निकल के आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएंगे। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा यंग हैं तो रिलेटेबल हैं। अगर वो एक और कोई डाउनसाइड की मेरे को बात करनी पड़े तो मैं यही बोलूँगा कि जो ही मैन का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट है, उसकी आर्म्स चेस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा उसका लेग्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा कार्टून टाइप बनाया, थोड़ा सा नैरो कर दिया नीचे से, वो थोड़ा प्रॉपर रखते हैं। ही मैन को फुल ग्लोरी दिखाते काफ मसल्स वसल्स के साथ, थाई मसल्स के साथ, तो और बढ़िया होता। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उसी शेप एंड फॉर्म में है, तो कुछ अजीब नहीं लगता। जस्ट दैट आई एम रिमेंबरिंग द ओल्ड ही मैन विच आई यूज टू सी इन 1980s, लेट 1980s अर्ली 90s, तो वो देख के बस थोड़ा सा मैंने इसको वैसी टॉपिक छेड़ दिया। भाई इट्स अ वेरी वेल मेड सीरीज, बहुत बढ़िया लगी मुझे, जरूर देखिए आप, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। और हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ, नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।